आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्मे इंसाइट सॉफ्टवेयर में रोल वाइज आप मास्टर्स कैसे एलोकेट कर सकते हैं। इस फीचर से आप आपके स्पेसिफिक यूजर्स को कुछ ही गिने चुने मास्टर्स जैसे कि प्रोडक्ट मास्टर, कस्टमर मास्टर इत्यादि एलोकेट कर सकते हैं। इससे जो मास्टर्स आवश्यक नहीं है वो मास्टर्स आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ मास्टर्स रिलेटेड चेंज, डिलीट इत्यादि ये राइट्स आप डिसाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलिंग रोल के यूजर्स को बिलिंग रिलेटेड मास्टर्स जैसे कि प्रोडक्ट मास्टर, कस्टमर मास्टर इत्यादि, या अकाउंट्स रोल के यूजर्स को अकाउंट्स रिलेटेड मास्टर्स या इत्यादि आप यहां से एलोकेट कर सकते हैं। रोल वाइज मास्टर्स एलोकेट करने के लिए एक्मे इंसाइट विंडो में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इस मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सिक्योरिटी, एलोकेशंस, एलोकेट मास्टर्स इस सब मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए या सर्च बॉक्स में 519 ये नंबर टाइप कर दीजिए। लिस्ट ऑफ रोल्स इस विंडो में से आप आपके यूजर का रोल सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेसिबल मास्टर्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इंसर्ट बटन पर क्लिक करके आप आपके यूजर्स को जो मास्टर एलोकेट करना चाहते हो वो मास्टर यहां से ऐड कर लीजिए। इसी के साथ मास्टर इंसर्ट, चेंज, डिलीट, कैंसिल और प्रिंट करने के राइट्स आप यहां से आपके यूजर को एलोकेट करके ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चेंज बटन पर क्लिक करके आप आपके यूजर्स को दिए गए राइट्स चेंज कर सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करके आपके यूजर्स को एलोकेट किए गए मास्टर्स आप निकाल भी सकते हैं। कॉपी बटन पर क्लिक करके दूसरे रोल के राइट्स सिलेक्ट किए गए रोल के लिए कॉपी हो सकते हैं। चेंज राइट्स इस बटन पर क्लिक करके एक साथ सभी मास्टर्स के राइट्स आप चेंज कर सकते हैं। चेंजेस बटन पर क्लिक करके आपके यूजर्स को दिए गए राइट्स आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से एक्मे इंसर्ट सॉफ्टवेयर में आप यूजर वाइज मास्टर्स एलोकेट कर सकते हैं।